हेलो बच्चों, की हाल चाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। तो आप सबके एंजर में जून के महीने को हम कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम अपने क्लास 10 के मैथ्स के सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर सके। बिकॉज यहाँ पर मैं अदर यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोलने आया कि आप अपना सारा सिलेबस फिनिश करो। बिकॉज अगर आप सारा सिलेबस फिनिश करके भी जाओगे तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए गलती आप बिल्कुल मत करना। यहाँ पर मैं आप सबको यहाँ पर पहले गाइड कर देता हूँ कि आप सबको अपना सारा सिलेबस बिल्कुल भी खत्म नहीं करना। बिकॉज यहाँ पर आपने अपने समर वेकेशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके मल्टीपल सब्जेक्ट है और मल्टीपल सब्जेक्ट के आपने ज्यादा ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है, सारा कंप्लीट नहीं करना। बिकॉज आपको बताया कि जैसे ही हमारे समर वेकेशन खत्म होंगे तो देन हमारे यूटी होंगे, कई बच्चों के पीटी 2 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको पहले से सिलेबस पता होगा जो आपके आफ्टर समर वेकेशन के बाद आपके पेपर में आने वाला है। तो इसलिए वो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसके साथ साथ कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए वो भी यहाँ पर आपको गाइड करूंगा, और कैसे करने चाहिए, किस ऑर्डर में करने चाहिए वो भी यहाँ पर आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लास 10 मैथ्स के सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ये हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हो कि हम अदर सब्जेक्ट का भी आपको गाइड करें कि आप अपने समर वेकेशन में कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करें अपने अदर सब्जेक्ट में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हम आपके लिए वो वीडियो भी जल्द लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा मैथ्स का यहाँ पर आपको प्लान बता देता हूँ कि आपको कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बड़ा बता देता हूँ कि आप सबको सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। यहाँ पर आपको अपनी छुट्टियों को ऐसे यूटिलाइज करना है जिससे आप अपने ज्यादा ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर सको, या फिर वो वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे जो आपके अपकमिंग प्रायोरिटी टेस्ट में आने वाले, या फिर आफ्टर समर हॉलीडे आपके जो पीटी 2 होने वाले हैं। कई बच्चों के पीटी 1 बिफोर हॉलीडे हो चुके हैं, कईयों के अब आफ्टर 2 होंगे हाफ ईयरली, तो देन उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप पहले खत्म करोगे। तो यहाँ पर आपको पहले हायर वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूरा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हायर वेटेज चैप्टर्स कौन सा है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो आपका 6 नंबर का है। देन उसके बाद जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें आपका सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों को मिलाकर आपके 12 नंबर का बना हुआ है। देन उसके बाद आपका स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर 14, ये आपके टोटल 11 मार्क्स का है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर नंबर 7 6 नंबर का है। देन उसके बाद अगर आप अलजेब्रा देखोगे तो उसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं जो आपके टोटल 20 नंबर के हैं। देन उसके बाद ज्योमेट्री आपका ट्रायंगल सर्कल 15 और मेंशुरेशन आपके बाद में आएंगे। पर यहाँ पर मैं मेंशुरेशन की क्यों नहीं बात कर रहा, बिकॉज वो आपको अभी छूना ही नहीं है। बिकॉज वो ऐसे चैप्टर है, मेंशुरेशन में आपका कौन सा आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरिया रिट्रेस सर्कल, जो आपके हाफ ईयरली के बाद आएंगे। अगर आपको वो चैप्टर आ रहा है देन आप उसको छूट सकते हो, अदरवाइज आपको उसको देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कैसे करो, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 3-4 चैप्टर कर चुके होंगे, बट अगर मैं यहाँ पर एजम्पशन लेके चलूं कि अगर आपको अभी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है तो देन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 आपने स्टार्ट करना है रियल नंबर। बिकॉज रियल नंबर में आपके से 2 एक्सरसाइज है और इसमें आपको ये भी पता है कि आपका प्रूविंग इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपने रियल नंबर को ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी के दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना है फॉर एग्जांपल। देन उसके बाद आप रेफरेंस बुक उठाना आर डी शर्मा, और अगर आपको आर डी शर्मा का सोल्यूशन चाहिए तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना, मैंने ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। देन उसके बाद आपने उठाना है अपना ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को काफी डर लगता है, बट अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही करोगे और ज्यादा ज्यादा समय लगाओगे इसमें तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो इसमें आपने अभी 8वें वाले चैप्टर को उठाना है, 9 वाला चैप्टर अभी आपको नहीं आएगा, तो इसलिए अभी आपने 8 वाले चैप्टर पे फोकस करना है। तो इसका मैंने एनसीईआरटी और आर डी शर्मा सोल्यूशन डाल चुका हूं। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए और देन इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो देन अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। देन उसके बाद आपने उठाना है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, बिकॉज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर है जिसमें आप फॉर्मुला बेस्ड आपके पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये काफी इजी है। तो इसलिए आपने पहले इसी ऑर्डर से आपने अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर आप पहले हार्ड वाले करने लग जाओगे तो इजी वाले भी बीच में खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक हार्ड रखे और एक इजी रखे जिससे आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने यूज करना है चैप्टर नंबर 7। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करना तो देन आप पहले पॉलीनोमियल कर सकते हो, देन उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर सकते हो, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, देन एपी, देन उसके लास्ट में अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्योमेट्री करनी है देन आप ज्योमेट्री को फोकस कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपने हायर वेटेज वाले चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है, ना कि सारी बुक को लगे हुए, बिकॉज यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो इसलिए अदर सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। और डेली आपने मैथ्स को 1 घंटा देना ही है, और अगर आप इस ऑर्डर से करोगे तो आपके ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा। और यहाँ पर आपको ये भी करना है जो आपके स्कूल में जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिली हुई है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको असाइनमेंट नहीं हो रही तो देन हमें मेल कीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको
सेंड कर देंगे, तो इसलिए आप हमारी ईमेल आईडी को डिस्क्रिप्शन से ले लेना, या फिर अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से आप अपने असाइनमेंट को सेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें मेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दिया, और साथ के साथ आप करना क्या है, जो भी अगर आप चैप्टर एनसीईआरटी कर रहे हो तो साथ के साथ इसके आपको पीवाईक्यू भी करने हैं। अब बच्चा क्वेश्चन राइज करेगा, सर सीबीएसई ने तो अभी लास्ट ईयर के पीवाईक्यू अपलोड ही नहीं करे, तो हम कहां से करें? तो यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूँ, जो अगर आप अपने इस चैप्टर के साथ साथ फॉलो करोगे तो आपके अदर सब्जेक्ट भी उसमें कवरअप हो जाएंगे, उसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। अब वो कौन सी बुक है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी ओसवाल पब्लिशर की लास्ट 10 ईयर सोल पेपर है, जिसमें आपके इंग्लिश SST, साइंस और मैथ्स के लास्ट 10 ईयर्स के 2014 से लेकर 2024 के आइडर इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली सारे बोर्ड पेपर आपको मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग सारे सेट्स। तो और इसकी बुक का रेट भी काफी कम है, इस करके जो मैं आपको एक बेस्ट बुक है जिसमें सारे सेट्स आपके मेंशन है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब ये मैं सोचे कि मैं ये बुक क्यों कर रहा हूँ, ये बुक मुझे काफी अच्छी लगी और इसमें आपको सारे सेट्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर पब्लिशर, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। परचेज लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना। बाकी ये बुक काफी अच्छी है, ये मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, जो अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे साथ के साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको गाइड करने आया था कि अपने समर वेकेशन में अदर यूट्यूबर की बात सुनकर सारा सिलेबस करने मत बैठ जाना, बिकॉज अगर आप सारा सिलेबस करोगे तो बाद में आपको नुकसान होगा, बिकॉज वो चैप्टर अभी आपको आएंगे नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो आपके सिलेक्टेड जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, और उसको अदर बुक से भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इनको आप आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल से कर सकते हो, एमएल अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी था जो यहाँ पर मैं आपको बताने आया था, और यहाँ पर आपको गाइड भी करने आया था कि आप नुकसान मत कीजिए अपनी छुट्टियों का, जहां पर आप ज्यादा ज्यादा अपने हायर वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट करके अपनी छुट्टियों को कंप्लीट करें, और सिर्फ पढ़ाई मत करें, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी करें, आपने प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, साथ के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कीजिए और साथ के साथ अपनी रूटीन के साथ पढ़ाई भी करें, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंसी पढ़ते रहोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए अपना सिलेबस ज्यादा ज्यादा कंप्लीट करके अपने अकेडमी में काफी अच्छा स्कोर करें, तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैं आपको सजेस्ट करने आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि हम अदर सब्जेक्ट का भी यहाँ पर आपको बताएं कि आपको पहले कौन से चैप्टर करने चाहिए, तो इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए जल्द वीडियो लेकर आएंगे उस टॉपिक पर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।